बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां पर कांग्रेस नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो कार से कहीं जा रहे थे, उसी वक्त बदमाश पहुंचे और दिन दहाड़े उन्हें गोली से भून दिया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए हैं। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बता दें कि कांग्रेस के जिला महामंत्री संजीव त्रिपाठी बुधवार दोपहर को सकरी बाईपास की तरफ से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने पहले उन्हें रोका, फिर उनके सिर पर गोलियां दाग दी। घटना के वक्त आसपास कुछ लोग मौजूद थे, मगर वह कुछ कर पाते इससे पहले बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और मौके से भाग निकले। बता दें कि आसपास के लोगों ने ही पुलिस को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद एएसपी पारुल माथुर समेत पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे। बता दें कि कार की शीशे टूट चुके हैं, परिजनों को भी इस बारे में जानकारी दी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि बदमाशों ने अपना चेहरा ढक रखा था, जिसके चलते लोग उन्हें नहीं देख पाए। बता दें कि पुलिस ने मौके से गोलियों के टुकड़े बरामद किए हैं, फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि यह पूरी वारदात जमीन विवाद को लेकर हुई है, मगर पुलिस ने इस बात की जानकारी अब तक नहीं दी है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पर यह दर्दनाक वारदात सामने है। कांग्रेसी नेता को सरेआम रास्ते पर गोलियों से भून दिया है। बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।